हमारा CSS ट्यूटोरियल नंबर 8 है। प्रीवियस वीडियो में हमने CSS मार्जिन कवर किया था, उसमें हमने मार्जिन को कैसे यूज करना होता है ये देखा था। तो आज हम इस वीडियो में CSS पैडिंग कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। CSS पैडिंग क्या होता है? सपोज हमारा जो एलिमेंट कंटेंट है एंड उसकी बॉर्डर, इन दोनों के बीच हमें स्पेस ऐड करना हो तो पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। हम एलिमेंट्स को चारों साइड से पैडिंग दे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टीज होती है। इनकी हेल्प से हम चारों साइड से डिफरेंट पैडिंग दे सकते हैं। अब देखते हैं पैडिंग की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसमें हम ये चारों प्रॉपर्टीज एक ही प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें पैडिंग प्रॉपर्टी में फर्स्ट टॉप पैडिंग देना होता है, देन राइट पैडिंग, देन बॉटम पैडिंग एंड लास्ट में लेफ्ट पैडिंग देना होता है। अब अगर हमें टॉप बॉटम पैडिंग डिफरेंट देनी है एंड राइट लेफ्ट पैडिंग सेम देनी है तो हमें पैडिंग में वैल्यू इस टाइप में देनी होती है। अब अगर हमें टॉप बॉटम पैडिंग सेम देनी है एंड राइट लेफ्ट पैडिंग भी सेम देनी है तो हमें पैडिंग में वैल्यू इस टाइप में देनी होगी। अब अगर हमें चारों साइड से पैडिंग सेम देनी है तो हमें पैडिंग में एक ही वैल्यू देनी होती है, तो इससे चारों साइड से सेम पैडिंग अप्लाई हो जाती है। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे इस एलिमेंट को हमें पैडिंग देनी है तो फर्स्ट हम पैडिंग प्रॉपर्टी को क्लियरली समझने के लिए एलिमेंट को एक बॉर्डर दे देंगे। अब हम पैडिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट हम चारों साइड को डिफरेंट पैडिंग साइज देके देखते हैं। तो देखो सभी साइड्स में डिफरेंट पैडिंग साइज अप्लाई हो चुकी है। अब हम टॉप बॉटम साइड्स की पैडिंग सेम देंगे एंड राइट लेफ्ट साइड की पैडिंग सेम देंगे। तो देखो यहाँ पे अब टॉप बॉटम पैडिंग सेम दिख रही है एंड लेफ्ट राइट पैडिंग सेम दिख रही है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से पैडिंग देके देखिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड क्लिक द बेल बटन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।